आयता को अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं अपने नवभारत समाज कल्याण समिति के माध्यम से और हमारी जो नवभारत समाज कल्याण समिति के शुभचिंतक हैं उनके माध्यम से। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है पॉलिटिकल विल की, कि क्या हमने जो कानून बनाया है उसको हम लागू करने की हमारी नीयत है या नहीं है। जहाँ भी रहे उसमें काम करता रहे और एक ऐसा वातावरण पैदा करे जहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा हो, सौहार्द हो, विकास की बात हो, समाज की बात हो, राष्ट्र की बात हो। नमस्कार, मैं हूँ मुमताज अहमद। आईपा यानी के ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन मंच आपका। आज हम बात कर रहे हैं प्रगतिशील सोच की, प्रगतिशील विचारों की। आज हमारे साथ नव भारत समाज सेवा संस्थान के अध्यक्ष HR सनी साहब हैं, जो कि हमारे साथ हैं आईपा में। बहुत बहुत सनी साहब आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा कि आईपा के लिए दो शब्द आपके द्वारा। मैं भी आईपा को अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं अपने नवभारत समाज कल्याण समिति के माध्यम से और हमारी जो नवभारत समाज कल्याण समिति के शुभचिंतक हैं उनके माध्यम से, कि आईपा जो जिसने एक मुहिम चलाई है कि हम किसी भी घटना को, किसी भी समाचार को एक उसकी सत्यता के रूप में और नैतिकता को लेते हुए हम उसको जो है आगे बढ़ाएंगे और जन संदेश देंगे कि हमेशा समाज में मीडिया की तरफ से अच्छा संदेश जाए। और साथ ही साथ मैं अभी आईपा से ये भी कहना चाहता हूँ कि आईपा जो है वो आजकल जैसे जिस तरीके के मीडिया में एक माहौल बना हुआ है कि बहुत सारे लोग, कुछ ऐसे चैनल हैं, कुछ ऐसे मीडिया हैं कि जिनके बारे में लोगों की एक सोच स्थापित हो चुकी है कि ये तो जो बताएगा गलती होगा या ये जो बताएगा झूठी होगा या जहर फैलाने वाले मीडिया से। मैं कहना चाहूँगा आईपा को कि इस तरह का जो है कोई भी इन चीज़ों से बहुत दूर रहकर जो जनहित की बातें हों, जो जनता के उपयोग की चीज़ें हों, उसे प्रस्तुत करें, उसको सामने लाए। और बहुत ज़रूरत है इस ज़माने में, ढेर सारे लोग जो है जब एक ही आवाज़ में होते हैं तो सच्चाई दब जाती है, तो सच्चाई को उजागर करने का काम करें और वो सच्चाई जो जनहित में हो। सनी साहब, सबसे पहले हम आपसे शिक्षा की बात करेंगे, क्योंकि एक लंबा समय आपको हो गया है इस सेवा संस्थान के लिए और लोगों के बीच रहते हुए, तो शिक्षा की जो दशा है कितना हद तक प्रगति पे है शिक्षा, या कितनी शिक्षा में अभी जागरूकता की जरूरत है और क्या क्या चीजें अभी शिक्षा में होना बाकी है कि अच्छी शिक्षा मिले, बच्चों को अच्छे संस्कार मिले और जो उनके अभिभावक हैं उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा शिक्षा की जागरूकता पहुंचे। देखिए, आईपा के मन से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जब शिक्षा की बात की तो हम लोगों ने पिछले 30 सालों से नवभारत समाज कल्याण समिति जो है शिक्षा पर ही काम कर रही है और ख़ास तौर से उस वर्ग के बीच में कर रही है जिनको शिक्षा पाने में बहुत बाधाएं आती हैं, विशेषकर वो बालिकाएं, वो लड़कियां जो गरीब परिवारों से हैं, जो ड्रॉप आउट हो जाए, जो समिति उनके लिए काम कर रहा है। आज के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी सरकार की जो शिक्षा के प्रति नीतियाँ हैं, या जैसे मैं RTE एक्ट की बात करता हूँ कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, या जो नई शिक्षा नीति 2020 की आई हुई है, उसमें बहुत से क्लास ऐसे हैं जो बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, अच्छे परिणाम दे सकते हैं, मगर प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है पॉलिटिकल विल की, कि क्या हमने जो कानून बनाया है उसको हम लागू करने की हमारी नीयत है या नहीं है, क्या हम उसको लागू करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में तमाम तरह की कमियां आती हैं जिसकी वजह से हम वो चीज़ें लागू नहीं कर पा रहे हैं जिसको कि हम संकल्प लेते हैं, जिसको हम नीति बनाते हैं। मैं एक मिसाल कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में हम कैसे शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं,
जबकि आज आज की आज आज भी जो है, अगर आप देखिए कि शिक्षा पे हमारा बजट क्या है, हम लोग हमेशा मांग उठाते रहे हैं कि शिक्षा पे कम से कम जीडीपी का 6% खर्च किया जाए, मगर वो 6% तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप विदेशों में देखिए कि शिक्षा जो है उनकी प्राथमिकता में प्रथम स्तर पर रहता है, उनकी प्राथमिकता रहती है कि सबसे ज़्यादा हम काम शिक्षा पे करें। अब जहाँ तक आपने शिक्षा से पैदा होने वाले संस्कार की बात कही, तो शिक्षा वो है जो व्यक्ति को मानव को इंसान बनाता है। इंसान का मतलब है कि उसके अंदर चरित्र पैदा करता है, उसके अंदर व्यक्तित्व पैदा करता है। नैतिकता की बात करते हैं, शिष्टाचार की बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं, तो आजकल के कैंपस में वो चीज़ें देखने को नहीं आती। उसका कारण यह है कि हमने हर चीज़ का राजनीतिकरण कर दिया। शिक्षा के संस्थानों में राजनीति पहुंच गई है, शिक्षा के संस्थानों में भेदभाव पहुंच गया है, जिसकी वजह से वो चीज़ें हम हासिल नहीं कर पा रहे हैं जो हमारा लक्ष्य होता है। सनी साहब, एक सवाल हो रहा है, जैसा कि अभी आपने बताया कि शिक्षा के अंदर बहुत सी खामियां हैं जो ये सरकार के द्वारा करना चाहिए, तो आपका दौरा ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, तो ऐसे कितने गांव होंगे जहां पर माँ बाप जिनकी सोच होती है कि बेटी की शादी करना है, क्या करेंगे पढ़ा कर, तो ऐसे परिवार का जब सामना होता है तो उनको शिक्षा की दहलीज तक, उनके बच्चियों को शिक्षा की दहलीज तक लाने के लिए आपके द्वारा कितना प्रयास किया गया और कितने लोगों को इस शिक्षा के मंदिर तक पहुंचाया गया आपके द्वारा, संस्थान के द्वारा? देखिए, तो भारत समाज कल्याण समिति जो है, जो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि विश्व स्तर पर अपनी पहचान रखती है, इसकी वजह यह है कि भारत समाज कल्याण समिति पिछले कई वर्षों से मलाला यूसुफ जई के मलाला फंड के साथ बालिका शिक्षा पर प्रयासरत है। और जो आपने कही कि हम लोग गाँव में जाते हैं और बालिकाओं की शिक्षा में विशेष तौर से जो आने वाली बाधाओं की बात करी, तो उसका जो खास तौर से मुस्लिम परिवेश में, तो उसका जो है, हम नवभारत समाज कल्याण समिति ने ये कोशिश की है कि जो एक लोगों के दिमाग में, जो अभिभावकों के दिमाग में एक जो है, एक पहले से एक जो है धारणा सी बनी हुई है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना ठीक नहीं है, लड़कियों को जो है वो दूसरे नंबर पे रखते हैं, बेटा बेटी में भेद करते हैं, उच्च शिक्षा की अगर बात लें या तकनीकी शिक्षा की बात लें या व्यवसायिक शिक्षा की बात लें, तो उसमें वो लड़कों को प्राथमिकता देते हैं। कहीं पर अगर लाख दो लाख चार लाख खर्च करने की बात आती तो ये कहते हैं लड़की पर पैसा खर्च करके हम क्या करेंगे, इसकी तो शादी होनी है, दूसरे घर में जाना, वो उसको संतान के रूप में नहीं देख रहे हैं, वो उसको संतान के रूप में नहीं देख रहे हैं, वो उसको इस रूप में देख रहे हैं कि इससे हमें लाभ क्या होगा, लड़का तो हमारा हमारे काम आएगा, लड़की काम नहीं। इस तरह की जो पहले से भेदभावपूर्ण नीतियाँ और भेदभावपूर्ण वातावरण समाज में रहा है, उसको दूर करने का प्रयास नवभारत समाज कल्याण समिति कर रही है और काफ़ी हद तक हमको सफलता भी मिली है। खासतौर से हम लोग बताएं कि हम लोगों ने एक लक्ष्य बनाया था कि वर्ष में कम से कम 1000 बेटियों को जो ड्रॉप आउट हो चुकी हैं, जिन्होंने 7वां पढ़ के 8वां पढ़ के 9वां पढ़ के छोड़ दिया है, उनको हम शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ेंगे, उनको हम उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर करेंगे। और आपको हम बताएंगे, हमने जब काम शुरू किया था तो कई ऐसे हजारों की तादाद में ऐसे गांव हमें मिले जहां पर 5वां पास 8वां पास लड़की नहीं मिलती थी। ये मैं वर्ष 1990 की बात कर रहा हूँ। आज वर्ष 2022 में उन्हीं गाँवों में हम लोग लगातार प्रयासरत रहे और आज उन्हीं गाँवों में 100 से अधिक आपको ग्रेजुएट मिल जाएंगी, पोस्ट ग्रेजुएट मिल जाएंगी, लड़कियां डॉक्टर इंजीनियर मिल जाएंगी, लड़कियां पुलिस में जा रही हैं, लड़कियां बैंक में जा रही हैं। तो ये नवभारत समाज की उपलब्धि रही और उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने जो स्टेक होल्डर हैं उनको साथ लिया, जैसे धर्म गुरु हैं, मस्जिद के इमाम हैं, मंदिर के पुजारी जी हैं, उनको साथ लिया, जैसे वहाँ के ग्राम प्रधान हैं, PRI मेंबर हैं या सभासद है या पंचायत के लोग हैं या स्थानीय प्रशासन है, सबको हमने
अपने साथ लिया लोगों के, अपने उनके साथ इंटरफेस मीटिंग की, उनको शिक्षा के मार्ग पर हमने वर्कशॉप किए, और अभिभावकों को लिया, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों को लिया, और उनको समझाया कि देखिए शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले बैरियर को दूर किया जाए, और दूर यही हो सकता है जो समाज का हर वर्ग हर तबका उसमें एक मुहिम चलाए। अभिभावकों को ये समझाया कि अगर आपकी बेटी आठवां पास है दसवां पास है और आप कहीं बेटी का रिश्ता करते हैं वह एमए है या उससे ज्यादा पढ़ा हुआ है, तो जब दोनों अपना परिवार शुरू करते हैं तो लड़के के अंदर एक अहंकार रहता है, एक समानता वाली भावना अगर नहीं रहती, वो लड़की को हमेशा वो अपमानित करता रहता है, तुम्हारी क्या पढ़ाई, तुम क्या जानते हो, जो कुछ जानता हूँ मैं जानता हूँ। लड़की अगर बराबर से पढ़ी हुई होती है तो उस लड़की और लड़के में दोनों में आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है, उनका परिवार सफल होता है। और जहाँ पे इस तरह के जो गैप हैं वहाँ हमने देखा है कि कुछ दिन बाद उनके झगड़े शुरू हो जाते हैं, मामले मुकदमे में पहुँच जाते हैं, वहाँ भी हम लोग जाके उनको जो है जो परिवार परामर्श केंद्र हैं या जो जो डोमेस्टिक वायलेंस पे काम करने वाली संस्थाएं हैं, लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनके साथ समन्वय करके उनके झगड़े भी निपटाए जाते हैं, मगर रिजल्ट फिर भी जो है उनका इतना वो नहीं रहता। तो मेरा मानना यह है कि उन बाधाओं को हम तभी दूर कर सकते हैं जब उनके अभिभावकों को, माँ बाप को, समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं इस बात को न समझें कि हमारे समाज में लड़की लड़के में नहीं बल्कि अमीर गरीब में जातिगत भेदभाव भी ना हो, धर्म से संबंधित भेदभाव ना हो, शिक्षा समान रूप से स्थापित की जाए, और सरकार को यही अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए। जो कि अभी जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकारी ढांचा और निजी ढांचा दोनों की शिक्षा प्रणाली अलग अलग है। सरकार को एक ऐसा जो है नियम बनाना चाहिए कि सभी शिक्षण संस्थाओं में एक जैसा कोड ऑफ कंडक्ट बने समान शिक्षा के लिए, ताकि बच्चे समान रूप से शिक्षा में आगे जाए और हमें कुछ हमारे देश के अच्छे नागरिक बने। सनी साहब एक सवाल और है कि आपकी संस्थान के द्वारा बहुत से काम किए गए हैं, बहुत एक लंबा सफर तय किया है, तो कभी आप लोगों को क्या किसी अवार्ड से नवाजा गया? हाँ, हालांकि मैं आपको ये बताना चाहूँ कि नवभारत समाज कल्याण समिति में जो है हम लोगों ने कभी भी ये सोच कर काम नहीं शुरू किया था, या आज भी हमारी सोच नहीं है कि हमको हमारे काम का पुरस्कार या अवार्ड मिले, क्योंकि हमने सेवा भाव से काम शुरू किया और सेवा भाव से कर रहे हैं। पर ये हमारी उपलब्धि समझिए या हमारे लिए गौरव की बात रही है कि नव भारत समाज कल्याण समिति के समस्त कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी से समाज की सेवा की, तो इसको कई अवार्ड मिल चुके हैं। जैसे कि हमारे संस्था में जैसे अध्यक्ष के रूप में मुझे विजय रत्न पुरस्कार मिल चुका है, मैन ऑफ अचीवमेंट राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, हमारी संस्था की महासचिव रेहमा रहमान जी हैं उनको कई नेशनल अवार्ड मिले हैं, गॉडफ्रे पुलिस अवार्ड मिल चुका है उनको, जो है NDTV ने उन पर फिल्म बनाई है, उनको प्रदेश स्तर का जो है प्रेम भाई सम्मान मिला, राष्ट्रीय स्तर पर उनको कई बार ये अवसर मिला कि वो भूतपूर्व राष्ट्रपति के साथ उनके भवन में उनको आमंत्रित किया गया। इस प्रकार अवार्ड तो बहुत मिलते रहे हैं जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर। हम लोगों ने अपनी सोच हमेशा बताई कि इस अवार्ड के पाने के बाद हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, हमको ये ना लगे कि अब तो हम समाज के इतने बड़े मसीहा बन गए कि साहब मसीहा के रूप में अपने आप को देखने लगे। हमारी हमेशा सोच रहती कि मसीहा मत बनो, सेवक बनो, सेवक बने रहेंगे तो हमें हर किसी के दुख दर्द का ध्यान रहेगा, और मसीहा बनने में ये हो जाता है कि हमारे अंदर एक अहंकार का भाव पैदा होता है कि हम ही हैं जो कर सकते हैं। तो सेवक के रूप में नवभारत समाज कल्याण समिति के आज के ज़माने में आईपा को मैं बताना चाहूँगा कि आज के ज़माने में आज के उसमें हजारों कार्यकर्ता जो है वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं, स्वयं सेवक के रूप में।
उन्हें ना कोई वेतन मिलता है, उन्हें ना कोई मानदेय दिया जाता है, मगर जब कोई अभियान हम लोग चलाते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोगों के माध्यम से, आप जैसे जो पत्रकार बंधु हैं, जो सामाजिक चीज़ों को आगे बढ़ाने में वर्षों से लगे हुए हैं, आपके आपके आपको मैं बधाई देता हूँ कि आपने हमेशा जो है सामाजिक मुद्दों को आगे बढ़ाया है, तो वो चीज़ जो जब हमको सपोर्ट मिलता है तो हमारा लक्ष्य पूरा होता है। और बवारा समाज कल्याण समिति के स्वयं सेवक सेवा भाव से लगे हुए हैं, जो अपने संदेश को हम प्रोजेक्ट के रूप में नहीं, हम उसको अभियान और उसको एक कैंपेन के रूप में शिक्षा के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में आपको मैं बताना चाहूँगा कि गत मास हमने प्रधानमंत्री मोदी जी को 8,000 पोस्ट कार्ड हमारी बालिकाओं के माध्यम से भेजे गए हैं, और उस पोस्ट कार्ड में बालिकाओं ने मांग की है, उस बालिकाओं में मांग की है कि हमारी जो है कम से कम अभी जो आईटी फोरम के तहत 8वें तक की शिक्षा मुफ्त है, तो हम लोग वो पोस्ट कार्ड के माध्यम से बालिकाएं खास तौर से मांग कर रही हैं कि वो जो है बालिकाओं की शिक्षा कम से कम इंटरमीडिएट तक उनकी फ्री की जाए, उनको वजीफे मिले और उनकी शिक्षा संबंधी जरूरतों का ध्यान रखा जाए। अब देखिए जो ये पत्र गया है प्रधानमंत्री जी उस पर क्या स्टेप लेते हैं, क्या उस पर आगे बात आगे बढ़ती है नहीं बढ़ती है, फिर हम लोगों का तो काम है कि जनता की आवाज़ को आगे ले जाना। तो आगे की सोच क्या है आपकी? आगे की सोच नव भारत समाज कल्याण समिति चाहती हूँ कि कम से कम हम स्वयं सेवकों का एक ऐसा संगठन तैयार करें, जैसे पार्टियाँ अपना कैडर बनाती हैं, पार्टियाँ अपना कैडर बनाती हैं, हर पार्टी अपना कैडर बनाती है, नव भारत समाज कल्याण समिति जो है महिलाओं में युवकों में अपना एक ऐसा कैडर तैयार करना चाहता है जो जहाँ रहे जिस क्षेत्र में रहे वहाँ रह कर समाज की ज़रूरतों का ध्यान रखें, कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य दो मुद्दे ऐसे हैं जहाँ पर जागरूकता की बहुत आवश्यकता है, स्वास्थ्य के लिए भी जागरूकता की आवश्यकता है और शिक्षा के लिए भी जागरूकता की आवश्यकता है, तो कम से कम इन दो मुद्दों को स्वयं सेवक जिस संस्थान जहाँ भी रहे उसमें काम करता रहे और एक ऐसा वातावरण पैदा करे जहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा हो, सौहार्द हो, विकास की बात हो, समाज की बात हो, राष्ट्र की बात हो। भारत की राष्ट्रीयता की सुंदरता जब ही है जब भारत का हर नागरिक इसमें अपना योगदान दे, इसके विकास में अपना योगदान दे, भेदभाव की राजनीति खत्म हो, नफरत की राजनीति खत्म हो, लोगों में प्रेम और सौहार्द बांटा जाए और शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाया जाए, हमारी आगे की सोच। सनी साहब, आईपा के लिए अगर कोई आपके द्वारा मार्गदर्शन हो, कुछ कहना चाहे तो वो आप कह सकते हैं। आईपा को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ जो भी हमने अपने वक्तव्यों में आपसे इनडायरेक्टली संदेश दिया भी है मैंने, कि आईपा जो है अपने आप को एक व्यावसायिक पत्रकारिता या व्यावसायिक चैनल के ना समझकर एक समाज सेवा के रूप में कि हम समाज का निर्माण करने जा रहे हैं और समाज के हर वर्ग को हम एक अच्छी तरीके से जो हम सच्चाई का साथ देते हुए हम एक अच्छा वातावरण पैदा करेंगे अपने चैनल के माध्यम से जहां पर विकास की बात हो और अच्छी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने का प्रयास करेंगे, और ऐसी चीज़ें जो समाज में नफरत फैला सकती हैं, जो समाज में जो है समाज को बांट सकती हैं, तो मैं आईफा से निवेदन करूँगा कि ऐसी चीज़ों को कम से कम पर्दे के पीछे रखे और उसको ना दिखाए या कम दिखाए। भाई मैं ये नहीं कह सकता कि पता नहीं आपकी व्यवसायिक मजबूरी क्या हो सकती है कि कुछ चीज़ों को आपको दिखाना ही है, पर हमेशा मैं ये कहूँगा कि अच्छी चीज़ों को उजागर करें और गलत चीज़ों को वो जो है पर्दे के पीछे डालें, तो मैं समझता हूँ कि आईपा का भविष्य बहुत सुंदर रहेगा और समाज में एक लोकप्रिय चैनल आईपा बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ एचआर सनी साहब, जिन्होंने
आईपा मंच के जरिए अपने दर्शकों तक अपनी सोच पहुंचाने का काम किया। अब आगे कितना ये लोगों के लिए काम करते हैं और कहां तक अपनी सोच को पहुंचा पाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मुमताज अहमद, आईपा, फतेहपुर।